राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर सहित कई इलाकों में भूकंप के झटके मध्य रात्रि को महसूस किए गए। क्या इसकी तीव्रता थी और क्या इसका कारण था? वरिष्ठ भूवैज्ञानिक जेएस भारद्वाज का क्या कहना है? जानिए हमारे साथ ये खास खबर। एनसीआर दिल्ली में अभी रात्रि को 17 दिसंबर को 11:55 पर हमने 4.2 का इंटेंसिटी तीव्रता का भूकंप हमने महसूस किया। राजस्थान के सीकर और अलवर एरिया में 3.0 रिश्टर पैमाने का भूकंप दर्ज किया। और ये सब चीज़ें हो रही है क्योंकि एनसीआर रीजन हॉट के वहाँ पे एनर्जी एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एलोंग दी अरावलीज उदयपुर शहर भी आता है और ये एनर्जी फ्लो एलोंग दी अरावली स्ट्रेटा है और यहाँ की परतों के अंदर वो एनर्जी फ्लो हो रही है। लेकिन उदयपुर के लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ चौक से राजस्थान का उदयपुर शहर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। यहाँ हम सब सुरक्षित हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स हमें ज़रूर लेने चाहिए, लेकिन आफ्टर शॉक्स के रूप में जो अभी भूकंप आया उससे ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आने का कोई संभावना नहीं है। और यहाँ बहुत सारे संस्थान हैं जो प्रिवेंटिव मेजर्स पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भूकंप आ जाए और हम कहीं भी हैं तो हमें क्या सावधानी बरतनी है इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और उदयपुर के लोगों को मैं आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ पर हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं।